हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्टेरिलाइजेशन प्रोसीजर बाय यूजिंग ऑटोक्लेव, मीन्स किस तरीके से हम किसी भी ग्लासवेयर्स हो गए या इंस्ट्रूमेंट है या किसी सॉल्यूशन या न्यूट्रिएंट मीडिया को स्टेरिलाइज किया जाता है बाय यूजिंग ऑटोक्लेव। तो उसका प्रोसीजर आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो आइए अब हम नेक्स्ट जानते हैं कि ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन का प्रिंसिपल क्या होता है। ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन, जिसको हम मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन भी बोलते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें जो प्रेजेंट वाटर होता है ये वाटर कन्वर्ट होता है इनटू द वेपर, और ये जो हाई टेम्परेचर और प्रेशर जो स्टीम बनता है इसकी हाई पेनिट्रेटिंग पावर होती है, और जो बैक्टीरिया में जो प्रेजेंट प्रोटीन होता है मीन्स एंजाइम्स होते हैं वो कोगुलेट होता है, जिसकी वजह से बैक्टीरिया जो स्पोर्स होते हैं वो किल हो जाता है। तो ये हो गया प्रिंसिपल ऑफ ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन। इसके बाद हम नेक्स्ट जानते हैं प्रोसीजर ऑफ ऑटोक्लेव स्टेरिलाइजेशन। हमने यहाँ पे सैंपल के लिए कुछ ग्लासवेयर्स लिए हैं, तो सबसे पहले हमने बीकर लिया है और इस बीकर को कवर करना होता है ब्राउन पेपर से बिफोर स्टेरिलाइजेशन। तो हम सभी तरफ से ब्राउन पेपर से इसको कवर करेंगे और उसके बाद कॉटन थ्रेड से उसको अच्छे तरीके से उसको टाई कर लेंगे। इस चीज़ का ध्यान रखें कि हम टाई करने के लिए कॉटन के थ्रेड ही यूज़ करते हैं, हम रबर यूज़ नहीं करते हैं, क्योंकि रबर यूज़ करने से ये रबर हाई टेम्परेचर और प्रेशर में ये मेल्ट हो सकता है, जिसकी वजह से हमारे जो बीकर की जो कवरिंग है, जो हमारे ग्लासवेयर्स की कवरिंग है, वो वापस से ओपन हो जाएगी। तो इसी कारण से हम उसको कॉटन थ्रेड से उनको अच्छी तरीके से हम उसको टाई करते हैं। और हमने यहाँ पे जो ग्लासवेयर जितने भी यूज़ करते हैं वो बोरोसिलिकेट का यूज़ करना होता है। उसके बाद नेक्स्ट सैंपल हमने लिया हुआ है पेट्री डिश, और इस पेट्री डिश को भी सभी तरफ से हम ब्राउन पेपर से इसको कवर कर लेंगे और कॉटन की थ्रेड से उसको अच्छे से टाई कर लेंगे। इसके बाद जो हमने नेक्स्ट सैंपल लिया है वो है न्यूट्रिएंट मीडिया। इस न्यूट्रिएंट मीडिया को हमने कॉनिकल फ्लास्क में ट्रांसफ़र किया है और इस कॉनिकल फ्लास्क को फिर हमने कवर किया है विद द कॉटन प्लग। तो ये हमारे सैंपल्स रेडी हो गए, मीन्स बीकर, पेट्री डिश और कॉनिकल फ्लास्क में न्यूट्रिएंट मीडिया फॉर द स्टेरिलाइजेशन। इसके बाद हम इन सैंपल्स को हम ऑटोक्लेव में ट्रांसफ़र करेंगे। तो सबसे पहले हमको ऑटोक्लेव को अनस्क्रू करना होता है। इसके लिए हम एक एक करके जितने भी स्क्रूज हैं इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे टू ओपन द लीड, और सभी स्क्रूज को ओपन करने के बाद हम लीड को एक साइड रख देंगे। इसके बाद जो ऑटोक्लेव के अंदर जो ट्रे रखा हुआ है, इस ट्रे जिसमें हमको सैंपल को ट्रांसफ़र करना होता है, जिसको हमको स्टेरिलाइज करना है, तो इस ट्रे को हम ऑटोक्लेव से निकाल के एक साइड रखेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे हीटिंग कॉइल है और ट्राइपॉड स्टोन है। तो इसके बाद हमको इस ऑटोक्लेव के अंदर वाटर को फिल करना होता है, और ये जो वाटर हम फिल करेंगे इसका जो लेवल होता है वो हीटिंग कॉइल के ऊपर होना चाहिए, मीन्स ये हीटिंग कॉइल कम्प्लीटली डिप होना चाहिए इन साइड द वाटर। और ये जो हीटिंग कॉइल है वाटर को हीट करता है और उसको वेपर में कन्वर्ट करता है। इस चीज़ का ध्यान रखें कि जो वाटर का लेवल है वो जस्ट बिलो द ट्राइपॉड स्टैंड हो, क्योंकि अगर वाटर का लेवल अबव द ट्राइपॉड स्टैंड होगा तो वो ट्रे फ्लोट करने लगेगा। इसलिए हमको ट्रे को फ्लोट करने से प्रिवेंट करने के लिए हमको वाटर का लेवल जस्ट बिलो द ट्राइपॉड स्टैंड रखना होता है, ताकि जो कॉइल है वो कम्प्लीटली वाटर में डिप रहे। इसके बाद हम ट्रे को ऑटोक्लेव में ट्रांसफ़र करेंगे और उसमें एक एक करके हमारे सैंपल्स जिसको स्टेरिलाइज करना है उसको प्लेस करते जाएंगे। इसके बाद हम जो ऑटोक्लेव का लीड है उसको वापस से उसको उसकी जगह में रखेंगे, और उसके बाद हम ऑटोक्लेव को कवर करेंगे लीड से, मीन्स लीड को वापस से ऑटोक्लेव के रखने के बाद एक एक करके हम सभी स्क्रूज को अपराइट पोजीशन में लाएंगे। और सभी स्क्रूज को अपराइट पोजीशन में लाने के बाद अब हम एक एक करके सभी स्क्रूज को टाइट करेंगे। लीड को अच्छे तरीके से प्रॉपरली कवर करने के लिए क्या किया जाता है, हम सभी स्क्रूज को एक एक करके उसके अपराइट पोजीशन में लाते हैं, और सभी स्क्रूज को अपराइट पोजीशन में लाने के बाद हम एक एक करके सभी स्क्रूज को क्लॉकवाइज रोटेट करते हैं, ताकि लीड जो है टाइटली कवर हो जाए और जो ऑटोक्लेव के अंदर जो वेपर का फॉर्मेशन हो वो लीक आउट ना करें। तो इसलिए हमको सभी स्क्रूज को टाइटली रोटेट करना होता है। अब सभी स्क्रूज को टाइटली रोटेट करने के बाद इसके बाद हम स्विच को ऑन करेंगे। स्विच को ऑन करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्रेशर गॉज है इसका जो पॉइंटर है अभी जीरो पे है, मीन्स ऑटोक्लेव के अंदर जो वेपर प्रेशर है वो अभी जीरो है। और जैसे जैसे वाटर हीट होके वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा तो ऑटोक्लेव के अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो भी इंक्रीज होगा, जिससे ये पॉइंटर जो है इंडिकेट करेगा, मीन्स ये पॉइंटर मूव करेगा टूवर्ड्स द हायर वैल्यू। और इसके बाद ये आप देख रहे हैं ये विसल है और ये सेफ्टी वॉल्व है, और इसके बाद है ये है स्टीम रिलीजिंग वॉल्व। तो सबसे पहले हम ये स्टीम रिलीजिंग वॉल्व को कम्प्लीटली रिमूव करेंगे रोटेट करके।
स्टीम रिलीजिंग वॉल से हम स्क्रू को इसलिए रिमूव कर रहे हैं ताकि ऑटोक्लेव के अंदर जो भी एयर है वो रिमूव हो जाए फ्रॉम द ऑटोक्लेव थ्रू द वॉल्व, ताकि वो जो एयर है वो कम्प्लीटली रिप्लेस हो जाए बाय द वाटर वेपर। इसके बाद हम वापस से चेक करें कि सारे स्क्रू टाइट है या नहीं है, ताकि कोई लीकेज ना हो वाटर वेपर का। और उसके बाद ऑटोक्लेव के अंदर जो वाटर है वो वाटर हीट होगा और वो वेपर में कन्वर्ट होते जाएगा। और जैसे ही ये वाटर वेपर स्टीम रिलीजिंग वॉल से रिलीज होगा, तो उसके बाद हम इस स्टीम रिलीजिंग वॉल को हम क्लोज करेंगे, मीन्स वापस से हम स्क्रू को लगा देंगे स्टीम रिलीजिंग वॉल में, मीन्स क्लॉक वाइज स्क्रू को रोटेट करने के बाद टाइटली स्टीम रिलीजिंग वॉल को हम क्लोज कर लेंगे। और उसके बाद ऑटोक्लेव के अंदर का जो टेम्परेचर है, जो वेपर प्रेशर है, वो इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रेशर गॉज है उसका पॉइंटर 15 पे पहुँच गया है, मीन्स जो ऑटोक्लेव के अंदर का जो वेपर प्रेशर है वो हो गया है 15 lb पर स्क्वायर इंच। और इसी प्रेशर को हमको मेंटेन करना होता है फॉर 20 मिनट्स के लिए। और जैसे ही ये प्रेशर, मीन्स ऑटोक्लेव का प्रेशर जो है 15 lb पर स्क्वायर इंच से एक्सीड होता है, और उसके बाद विसल ऑन हो जाता है टू रिलीज द एक्सेस प्रेशर। और इस प्रेशर को हम 20 मिनट्स तक मेंटेन करते हैं फॉर द कंप्लीट स्टेरिलाइजेशन ऑफ द सैंपल विच वी हैव कैप्ट इनसाइड द ऑटोक्लेव। और 20 मिनट्स के बाद हम पावर को ऑफ करते हैं और उसके बाद ऑटोक्लेव को ठंडा होने के लिए रख देते हैं। और उसके बाद जो स्टीम रिलीजिंग वॉल का स्क्रू है, उस स्क्रू को हम रिमूव करते हैं एंटी क्लॉक वाइज रोटेट करके, ताकि ऑटोक्लेव के अंदर जो रिमेनिंग वेपर है वो स्टीम रिलीजिंग वॉल से वो रिलीज हो जाए। और उसके बाद हम एक एक करके सभी स्क्रूज को एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे कम्प्लीटली ऑटोक्लेव के लीड को ओपन करने के लिए। हमने यहाँ पे जो ग्लासवेयर्स लिए थे स्टेरिलाइजेशन के लिए, तो उस ग्लासवेयर्स को हमने अच्छे से उसको कवर किया था ब्राउन पेपर से, ताकि ऑटोक्लेव के टाइम पे, मीन्स स्टेरिलाइजेशन के टाइम पे, उन ग्लासवेयर्स के अंदर वेपर इकट्ठा ना हो, मीन्स लिक्विड इकट्ठा ना हो। और दूसरा, स्टेरिलाइजेशन के बाद ऑटोक्लेव से उसको रिमूव करने के बाद वो ग्लासवेयर्स वापस से कंटेमिनेट ना हो, इसलिए उसको प्रॉपर तरीके से ब्राउन पेपर से कवर किया जाता है उन ग्लासवेयर्स को, या तो कोई स्पेशल जो पॉलीबैग्स होते हैं ऑटोक्लेव के उससे कवर किया जाता है। और आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो ग्लासवेयर है और जो न्यूट्रिएंट मीडिया लिए थे वो स्टेरिलाइज हो गया है। अब इस मटेरियल को आप ऑटोक्लेव से रिमूव कर सकते हैं बाय वेयरिंग हीट रेजिस्टेंट ग्लोव्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।